तो आप देख सकते हो कि मेरी बाइक का टायर फ्लैट हो चुका है, तो इसको अब चेंज कराने का टाइम आ चुका है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर गाइड। मैं हूं शैलेंद्र और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि टायर इसका हो चुका है फ्लैट, टायर को चेंज कराने का टाइम आ चुका है, क्योंकि बाइक चल चुकी है 46,000 किलोमीटर प्लस 46,000 किलोमीटर चल चुकी है और अभी तक टायर चेंज नहीं हुआ है। MRF के टायर स्टॉक टायर लगे हैं। मैं टायर चेंज करवाने के लिए आ चुका हूँ MRF के पास। तो जो MRF का शोरूम है मेरे घर के जस्ट बगल में है। जो पिछला टायर पड़ता है वो है 130/90/15। तो देख सकते हो ये शोरूम है। अगर आप इंदिरा नगर में रहते हैं तो ये शोरूम अच्छे से जानते होंगे। न्यू टायर सेंटर करके नाम है इसका, या फिर MRF करके आप गूगल कर सकते हो। 6 साल की गारंटी इस टायर की। ये वाला टायर है, तो ये वाली मशीन है जिससे जो है टायर बदला जाएगा। तो अभी खोले जा रहे हैं इसके पहिए। मैंने अभी इन लोगों को दो दो मिनट में टायर चेंज करते हुए देखा है। 2 मिनट में अगला, 2 मिनट में पिछला। बड़ी तेज़ी से काम करा है इन लोगों ने और गाड़ियों का। तो अभी ये टायर निकाल के, मतलब पूरा व्हील निकाल के रिम के साथ अंदर जाएंगे और वहाँ पर टायर को रिप्लेस करेंगे। तो टायर को कर दिया गया फ्लैट। पर इसमें नाइट्रोजन का भी ऑप्शन था, लेकिन मैंने इसमें एयर भरवाई है ड्यू टू सम रीज़न। 2 मिनट में हो गया। बस अब टायर लग रहा है। भाई आपका नाम क्या है? अरविंद। यहीं के हैं क्या आप? अच्छा, अरविंद भाई हैं। और आपका? आरिफ। ये आरिफ भाई हैं, ये अरविंद भाई हैं। अगर आप MRF पर आते हो तो इनसे मिलना, बड़ी जल्दी काम करते हैं दोनों मिलके। दोनों की जुगलबंदी बहुत ही अच्छी है। तो नए टायर लग गए हैं, अब होगी लॉन्ग राइड शुरू जल्दी ही। वेलकम बैक। और देख सकते हो टायर लग चुका है। और ये जो MRF के जो शोरूम है, MRF का जो सर्विस सेंटर है टायर का, मैं वहीं पर हूँ। अरे यहाँ के एम्प्लॉई लोग हैं सारे के सारे। और अंदर बहुत ज़्यादा शोर था मशीनों का, इस वजह से अंदर ज़्यादा ब्लॉक नहीं करा। और वो एक्चुअली थोड़ा काम हो रहा है इस वजह से। ऑल डन, यहाँ से निकलते हैं। और ब्लॉक ज़्यादा बड़ा बनने की संभावना बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि काम ही 3 से 4 मिनट का है यहाँ पर। बस टायर निकालने और लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब व्हील पूरा निकालने और लगाने में। बाकी टायर लगाने में 2 मिनट बस। और पेमेंट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। बाद नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी वो लद्दाख राइड की होगी। तो ये है पुराना वाला टायर और ये है नया MRF का टायर। 1, 2, 4 पंचर। और रिम की कंडीशन बहुत अच्छी थी जब टायर को ओपन करा गया, चेंज करा जा रहा था, तब रिम बहुत ही फेयर कंडीशन में था।
गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा यहाँ तक का। और मैंने इसमें सेमी ऑफ रोड टायर इसलिए नहीं डलवाया क्योंकि सेमी ऑफ रोड टायर डलवाने से इसके माइलेज में और इसकी टॉप स्पीड में फ़र्क पड़ेगा। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग को करते हैं पर ख़त्म। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आ रहा होगा, फॉलो कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होने वाली है। हो सकता हो जब तक यह वीडियो आप देख रहे हो मैं लद्दाख राइड के लिए निकल चुका हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड से स्टे सेफ।